होगी प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम। क्या इस फिल्म में पूजा हेगड़े ट्विन सिस्टर की भूमिका में नजर आएंगी? क्या कहना है फिल्म के स्टोरी लाइन का? दोस्तों, आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। मैं अपर्णा वत्स स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रिड स्टूडियोज में। प्रभास और पूजा हेगड़े की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा जल्दी हमें बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लंबे अरसे से इंतजार के बाद फैंस को ये खुशी हासिल हुई। राधे श्याम की शूटिंग मुख्य तौर पर यूरोप के 1970s वाले सेट के तर्ज पर हुई है। इसकी स्क्रिप्ट लिखी है राधा कृष्णा ने। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ पहली बार प्रभास के ऑपोजिट नजर आएंगी पूजा हेगड़े। तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल मचाती है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। वहीं फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो इसका हिंदी वर्जन के सॉन्ग्स को कंपोज किया है मिथुन और मनन भारद्वाज ने। राधे श्याम को लेकर प्रभास और पूजा हेगड़े के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और लंबे अरसे के इंतजार के बाद अब हमें ये फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में दिखेगी। सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि फिल्म को 30 जुलाई 2021 को थिएटर में रिलीज किया जा सकता है। पूजा हेगड़े के ऑपोजिट नजर आने वाले हैं साउथ के मशहूर सुपरस्टार हमारे बाहुबली यानी प्रभास। दोस्तों, प्रभास का क्रेज ऐसा है कि वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जाता है, स्पेशली लड़कियों के दिल में। बाहुबली के बाद से ही प्रभास नेशनल क्रश बन गए हैं और हर दिन उनकी कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती। हमारे लिए ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है कि पहली बार प्रभास और पूजा हेगड़े एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ बड़े स्क्रीन पर रोमांस करते हुए दिखेंगे। राधे श्याम की बात करें तो ये 1960 से 70 में बसे यूरोप की एक लव स्टोरी ड्रामा है। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े ट्विन सिस्टर की भूमिका में नजर आएंगी और इन दोनों बहनों को प्रभास से प्यार हो जाता है। एट द एंड इन दोनों में से किसी एक को अपने प्यार का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। आगे की स्टोरी क्या है और प्रभास किस किरदार में नजर आने वाले हैं, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिल्म की स्टोरी लाइन तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक र्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक फिल्म की यूनिट की तरफ से स्टोरी लाइन की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। तो अटकलों से दूर रहें और आने वाले दिनों में खुद थिएटर में जाके देखें कि फिल्म की स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। फिल्म की मुख्य स्टोरी लाइन एस्ट्रोलॉजी और साइंस के कंपैरिजन पर बेस्ड है। आपको बता दें, इस फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े के अलावा और भी कई नामी चेहरे देखने को मिलेंगे। बीते वैलेंटाइंस डे को फिल्म का पहला टीजर भी जारी किया गया। हमें ये जानकारी भी हाथ लगी है कि इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म मलयालम, तेलुगु और तमिल, साथ ही हिंदी में रिलीज की जाएगी। वैलेंटाइंस डे के मौके पर फिल्म का पहला टीजर भी जारी किया और जैसे ही टीजर लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई। इस टीजर में प्रभास एक ट्रेन में जंप करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की और पूजा हेगड़े उनसे पूछती हैं कि क्या तुम अपने आप को रोमियो समझते हो? तो उसका जवाब प्रभास देते हैं, नहीं, मैं रोमियो के जैसा नहीं हूँ, वो प्यार की खातिर मर गया लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। टीजर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिल्म कैसी होती है ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जितने भी मूवी प्रेमी हैं वो सब इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन से लेकर फिल्म का टीजर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हमारा लंबा इंतजार अब बस
कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है। हम जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों कलाकारों को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। बॉलीवुड से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल बॉलीग्रिड स्टूडियोज के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों नीचे कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको आने वाली कौन सी मूवीज की डिटेल्स, स्क्रिप्ट या फिर स्टोरी लाइन जाननी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डिमांड्स को फुलफिल कर सकूं। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और देश भर के चहेते बाहुबली स्टार प्रभास ने आज वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है। प्रभास ने सुबह अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम का नया टीजर रिलीज किया है, जिसके साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म का टीजर सामने आ चुका है और वैलेंटाइन डे पर प्रभास ने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। दोस्तों बहुत सुना है कि प्यार में लोग अक्सर हवा में उड़ने लगते हैं और इस टीजर में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा है कि प्रभास भी प्यार में उछल कूद कर रहे हैं। वेल, प्यार मोहब्बत है ही चीज ऐसी कुछ। दोस्तों फिल्म का टीजर शुरू होता है ट्रेन और रेलवे स्टेशन से। टीजर में प्रभास बहुत डैसिंग दिख रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट, येल्लो जैकेट और गले में ग्रे मफलर। तो वही पूजा हेगड़े की ड्रेस और उनकी खूबसूरती, ओ हो हो, मतलब कि फिरंगी उनके सामने चाय कम पानी लग रही है। उन्होंने टीजर में ब्लू ड्रेस पहनी है और वो सभी को मात दे रही हैं। दोनों के लुक का कोई जवाब नहीं है। इस टीजर को देख फिल्म राधे श्याम की कहानी का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म का छोटा सा टीजर लोगों के दिलों में प्यार का एहसास जगाने वाला है। रेलवे स्टेशन पर इटालियन में पहले प्रभास अपनी प्रेमिका पूजा हेगड़े को कुछ कहते नजर आते हैं और उसके बाद दोनों के बीच एक डायलॉग है जहां पूजा हेगड़े पूछती है प्रभास से, अपने आप को रोमियो समझते हो? इस पर प्रभास जवाब देते हुए कहते, नहीं, उसने प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूं। टीजर देखकर तो लग रहा है कि ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लेकिन इस एक डायलॉग ने सस्पेंस बना दिया है। फैंस इस टीजर को काफी पसंद कर रहे हैं और क्योंकि देखा जाए तो कुछ वैसा ही ड्रेसअप, लोकेशन, ट्रेन हमें टीजर में देखने को मिला। वीर के बारे में बता दूं कि वो बॉलीवुड की मूवी थी जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनके भाई सुहेल खान लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म पीरियोडिक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी। दोस्तों टीजर के साथ ही बताया गया कि ये फिल्म सिनेमा घरों में 30 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म को लेकर दोस्तों बहुत जबरदस्त बज बना हुआ है। टीजर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर हैशटैग वैलेंटाइन डे विद आरएस ट्रेंड करने लगा। दोस्तों टीजर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। वेल, आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या है? मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, मैंने पास बता दो कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं। राधे श्याम को अभी से सुपर हिट का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? क्या होता है जब एक लड़के को सच्चा प्यार होता है? राधे श्याम नाम पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों चल रही है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज़, मैं हूं सोनिका जयाल। राधे श्याम की रोमांटिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि बहुत ही रोमांटिक ये फिल्म होने वाली है और टाइम टाइम पर आप प्यार की दुनिया में खोते हुए खुद को महसूस करेंगे। और प्रभास और पूजा हेगड़े हैं, इसीलिए सुपरहिट तो ऑलरेडी ये फिल्म है।
इसके अलावा आपको बता दें, इसका जो मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है उसने भयंकर बस बना दिया है। ट्रेन की जर्नी के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी आपको दिखेगी और प्रभास एक पाम रीडर यानी कि हस्तरेखा विशेषज्ञ की भूमिका में आपको नजर आएंगे। वहीं पूजा हेगड़े म्यूजिक टीचर के रोल में आपको नजर आएगी। पहली बार दोनों सितारे एक साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। राधेश्याम मूवी में भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर जैसे बड़े बड़े कलाकार नजर आएंगे और पूरी 5 भाषाओं में इसे रिलीज किया जाना है। और अब इसके नाम को लेकर थोड़ी सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आपको याद हो कि शाहरुख ने एक टाइम पर बहुत पहले अनाउंस किया था कि जब भी वो कोई फिल्म बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में पहले महिला यानी कि जो एक्ट्रेस है, लीड एक्ट्रेस है, उसका नाम होगा। तो उस टाइम भी कुछ पॉलिटिक्स होने लग गई थी और 2013 का ये टाइम था जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और तब शाहरुख ने शपथ ली थी। तो लोगों ने कहा कि भाई नाम से क्या होता है, शाहरुख को ही तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कौन सा उस एक्ट्रेस को पैसे मिल रहे हैं। फिर भी शाहरुख ने एक पहल की थी। तो राधेश्याम को लेकर भी ऐसी ही पॉलिटिक्स जारी है। खैर, पॉलिटिक्स कितनी भी हो, ये फिल्म कितनी चर्चाओं में आए, ये तय है कि फिल्म सुपर डुपर हिट रहेगी। तो प्यार की बात हो रही है तो चलिए एक और प्यार की बात कर लेते हैं हम आपसे। दोस्तों, हम हर रोज़ न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ एक से ही होता है। प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। प्यार हो जाने पर इंसान पूरी तरह बदल जाता है। लड़कियां जब प्यार में होती है तो उनके साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है और आप भी जानते होंगे, लेकिन लड़कों की फीलिंग्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, 6 बातें हैं। अगर आप बॉय यानी कि लड़के हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो सच्चे प्यार में अगर कोई लड़का है तो उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि सच्चे प्यार में जाने के बाद लड़का बेकार की बातें करना बंद कर देता है, वो अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की बातें करना पसंद करता है। सच्चा प्यार हो जाने के बाद लड़के इस बात को किसी से नहीं छिपाना चाहते, वो सबको बता देना चाहते हैं, अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों। लड़कियों में थोड़ा कम होता है, थोड़ी झिझक होती है, वो नहीं चाहती कि सबको पता चल जाए। तीसरी बात ये कि प्यार हो जाने के बाद अचानक से लड़के लड़की के घर वालों के बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उतावले रहते हैं, वो लड़की के भविष्य को लेकर भी फिक्रमंद रहते हैं और समय समय पर उसे बताते रहते हैं ये कर ये मत कर। और प्यार होने की स्थिति में लड़के अचानक से बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, वो इस कोशिश में रहते हैं कि लड़की को किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। और एक और बात, प्यार हो जाने के बाद अचानक से लड़के का लड़की प्रति भरोसा भी है ना, वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ सिम्टम है कि जब लड़के को प्यार होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा राधेश्याम के बारे में हम बता दें कि प्यार की कहानी है ये और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का? दोस्तों, हमने एक से बढ़कर एक स्टार्स की फिल्में देखी, उनके महंगे ड्रेस देखे, लेकिन आज जो राधेश्याम फिल्म से अपडेट सामने आई है वो भी कॉस्ट्यूम प्राइस को लेकर किसी ने सुना नहीं होगा। दोस्तों, हमने एक से बढ़कर एक एपिक फिल्में देखी होंगी, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन एक नया रिकॉर्ड बना चुका है प्रभास की फिल्म राधेश्याम। राधेश्याम फिल्म में प्रभास के कॉस्ट्यूम की कोस्ट अगर आप सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एपिक लव स्टोरी राधे श्याम में प्रभास की वेशभूषा मतलब कि कॉस्ट्यूम पर करीब करीब 6 करोड़ का खर्च किया गया है। लंबी लंबी सांस ले लो और अपने आप को शांत रखो क्योंकि ये अपडेट सच में एपिक है। दोस्तों, राधे श्याम फिल्म में प्रभास काफी महंगे कॉस्ट्यूम में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार राधे कृष्णन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म राधे श्याम में प्रभास स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए एथनिक कॉस्ट्यूम में नजर आएंगे और इस कॉस्ट्यूम के लिए मेकर्स ने स्पेशल डिजाइनर्स हायर किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि रोमांटिक ड्रामा राधे श्याम प्रभास की करियर की सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक होगी, जिसमें खास दोस्तों, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और देश भर के चहेते बाहुबली स्टार प्रभास ने आज वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है।
प्रभास ने सुबह अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम का नया टीजर रिलीज किया है, जिसके साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म का टीजर सामने आ चुका है और वैलेंटाइन डे पर प्रभास ने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। दोस्तों, बहुत सुना है कि प्यार में लोग अक्सर हवा में उड़ने लगते हैं और इस टीजर में भी ऐसा ही कुछ देखा है कि प्रभास भी प्यार में उछल कूद कर रहे हैं। वेल, प्यार मोहब्बत है ही चीज ऐसी कुछ। दोस्तों, फिल्म का टीजर शुरू होता है ट्रेन और रेलवे स्टेशन से। टीजर में प्रभास बहुत डैशिंग दिख रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट, येलो जैकेट और गले में ग्रे मफलर। तो वहीं पूजा हेगड़े की ड्रेस और उनकी खूबसूरती, ओ हो हो, मतलब कि फिरंगी उनके सामने चाय कम पानी लग रही है। उन्होंने टीजर में ब्लू ड्रेस पहनी है और वो सभी को मात दे रही हैं। दोनों के लुक का कोई जवाब नहीं है। इस टीजर को देख फिल्म राधे श्याम की कहानी का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म का छोटा सा टीजर लोगों के दिलों में प्यार का एहसास जगाने वाला है। रेलवे स्टेशन पर इटालियन में पहले प्रभास अपनी प्रेमिका पूजा हेगड़े को कुछ कहते नजर आते हैं और उसके बाद दोनों के बीच एक डायलॉग है जहां पूजा हेगड़े पूछती है प्रभास से, अपने आप को रोमियो समझती हूं? इस पर प्रभास जवाब देते हुए कहते, नहीं, उसने प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूं। टीजर देखकर तो लग रहा है कि ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लेकिन इस एक डायलॉग ने सस्पेंस बना दिया है। फैंस इस टीजर को काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। ये टीजर इतना रोमांटिक है कि रिलीज होते ही एक घंटे में से 4 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये टीजर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है चारों तरफ। दोस्तों, अगर हम टीजर को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जैसे कि बॉलीवुड की एक फिल्म थी वीर, क्योंकि देखा जाए तो कुछ वैसा ही ड्रेसअप, लोकेशन, ट्रेन हमें टीजर में देखने को मिला। वीर के बारे में बता दूं कि वो बॉलीवुड की मूवी थी जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनके भाई सुहेल खान लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म पीरियोडिक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी। दोस्तों, टीजर के साथ ही बताया गया कि ये फिल्म सिनेमा घरों में 30 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म को लेकर दोस्तों बहुत जबरदस्त बज बना हुआ है। टीजर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर हैशटैग वैलेंटाइन डे विद आरएस ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, टीजर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये 6 करोड़ का अपडेट? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूं, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है। खर्च किया गया प्रभास के कपड़ों पर, कौन सा डिजाइनर हायर किया गया राधे श्याम के विंटेज लुक के कपड़ों के लिए, पोस्टर और प्रमोशन पर क्यों कर रहे इतना खर्चा? फिल्म राधे श्याम इज रेडी टू गोइंग रिलीज एट द बॉक्स ऑफिस। इट विल बी रोमांटिक पीरियड ड्रामा वेयर वी कैन सी प्रभास एंड पूजा इन अ विंटेज लुक। प्रभास विल बी सीन एज अ लवर बॉय। साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस फिल्म के रिलीज डेट का हाल ही में मेगा ऐलान हुआ है, जिसे मेकर्स ने एक बेहद प्यारे टीजर के जरिए बताया है। प्रभास की अपकमिंग फिल्म के कलरफुल पोस्टर्स और एक्टर का लवर बॉय लुक खूब चर्चा में हुआ है। अब इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो पूजा हेगड़े और प्रभास स्टारर इस फिल्म के निर्माताओं ने मैज साहो स्टार की कॉस्ट्यूम पर ही करोड़ों रुपए फूंक डाले थे। जी हाँ, सामने आ रही ताजा जानकारी की मानो तो करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि महज प्रभास के कपड़ों पर ही मेकर्स ने 6 करोड़ रुपए लगा दिए थे, जिसमें प्रभास के कपड़ों का लुक पुराने जमाने का फील देने वाला था। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग यूरोप की खूबसूरत दादियों में हुई थी, जहां ठंडे इलाके के चलते एक्टर गर्म और एंटीक कपड़ों में देखे गए। इस फिल्म में प्रभास के लुक पर बेहद बारीकी से काम किया गया था, उनके कपड़े भी काफी बेहतरीन सिलवाए गए थे। ऐसे में सिर्फ प्रभास की कलरफुल और क्लासिक कपड़ों के लिए ही मेकर्स ने 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके लिए मेकर्स ने स्पेशल डिजाइनर सिर्फ प्रभास के लिए हायर किया था। इस फिल्म को कपड़ों के लिहाज से प्रभास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है।
इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। फिल्म में भाग्यश्री भी अहम रोल में है। फिल्म को डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने निर्देशित किया है। ये फिल्म 30 जुलाई को पूरे देश में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के रिलीज डेट को मेगा ऐलान प्रभास ने खुद बीते दिन ही किया था। यह एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें प्रभास लवर बॉय के रोल में देखे जा रहे हैं। फिल्म का निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने किया है। इस फिल्म के अलावा प्रभास सालार, आदि पुरुष, नाग अश्विनी की मल्टी स्टारर साई फाई फिल्म भी कतार में कर रहे हैं। इन सभी फिल्मों को पैन इंडिया रिलीज करने की तैयारी है। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। ऐसी कितनी फिल्में बनी जो अपने कपड़ों के खर्चों के लिए जानी जाती हैं। प्रभास के लुक पर क्यों हो रहा है इतना खर्चा? क्या फिल्मों में कपड़ों पर खर्चा सही इन्वेस्टमेंट है? मैं प्रियंका धनखड़ दूंगी इन सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल लोगों को लुभाने के लिए फिल्मों पर डायरेक्टर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इस खर्च का मोटा हिस्सा फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाने में भी खर्च किया जाता है। जल्द ही एक्टर प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में नजर आने वाले हैं, जिसका टीजर इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म का कुल बजट 350 करोड़ है, जिसमें से 6 करोड़ महज प्रभास की कॉस्ट्यूम में लगाए गए हैं। प्रभास से पहले भी कई बॉलीवुड सितारे फिल्मों में कीमती और महंगे कपड़े पहनने के चलते सुर्खियों में रहे हैं। पीरियड ड्रामा फिल्म पद्मावत कई कारणों से चर्चा में थी। इसका एक बड़ा कारण फिल्म का बजट भी था, जिसमें से ज्यादातर पैसे सितारों के कपड़े और गहनों में खर्च किए गए थे। ये फिल्म 160 करोड़ के बड़े बजट में तैयार की गई थी। फिल्म के गाने घूमर के लिए जो लहंगा दीपिका पादुकोण ने पहना था, उसकी अकेले की कीमत 30 लाख थी। इतने में एक मिडिल क्लास वर्ग के घरों में शादियां हो जाती हैं, जितने का सिर्फ एक्ट्रेस का लहंगा था। दूसरी हैरानी की बात ये थी कि एक्ट्रेस के लहंगे का वजन 300 किलो था, जिसे पहनकर एक्ट्रेस ने मुश्किल डांस स्टेप्स भी किए थे। इस लहंगे को तैयार में 600 दिन लगे थे। 200 क्राफ्ट्समैन ने इसे गोल्ड से तैयार किया था। अगर बात करें ब्लॉकबस्टर फिल्म जोधा अकबर की, तो फिल्म में ऐश्वर्या राय ने जोधा बाई का रोल प्ले किया था। फिल्म में एक्ट्रेस को रॉयल लुक देने के लिए उनके हर लहंगे और कपड़े को बारीकी से डिजाइन करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी हर एक ड्रेस के लिए मेकर्स को 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि एक्ट्रेस पल पल में नया लहंगा पहनी नजर आई है। फिल्म के लिए ऐश्वर्या की डिजाइनर नीता लुल्ला थी। फिर हिट फिल्म बाजीराव मस्तानी फिल्म में दीपिका पादुकोण की खूबसूरती ने हर किसी को दीवाना बना दिया था। मस्तानी का रोल परफेक्ट बनाने के लिए मेकर्स को 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े। दीपिका के कपड़ों और लुक को फिल्म में खूब सराहना मिली। अब ऐसी ही एक फिल्म जो राधा कृष्णन के डायरेक्शन में बन रही है, जी हाँ, हम राधे श्याम की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रभास के कपड़ों पर विंटेज लुक देने के लिए काफी मोटा खर्चा हुआ है, जो हमें टीजर में भी दिखाई दे रहा है। कपड़ों और लुक पर ही आजकल लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो लोगों को सिनेमा तक लाने के लिए यह रामबाण तरीका होता है। इसी को देखकर लोग एक्टर और हीरोइन को पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि आजकल फिल्मों में कपड़ों में खर्च करना लाजमी हो गया है। अगर आपको वीडियो क्या लगते क्या है हम तुम्हारा
कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता दो, कहीं प्यार न हो जाए। कौन है भाग्यश्री? 19 साल की उम्र में शादी कर क्यों किया माँ बाप को नाराज? क्या फिर से नजर आने वाली है भाग्यश्री किसी मूवी में? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राज पटवर्धन है। उनका जन्म मिर्च के शाही पटवर्धन परिवार में हुआ। उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया से अलग पहचान मिली। भाग्यश्री ने खुलासा किया है कि उन्होंने सूरज बड़जात्या को मैंने प्यार किया के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन उनके बार बार कहने पर फिल्म करने के लिए हाँ कही थी। उन्होंने 1987 में मशहूर अभिनेता निर्देशक अमोल पालेकर के कहने पर टीवी धारावाहिक कच्ची धूप में अलका की भूमिका से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 1990 में उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बच्चियों के पोषण के लिए अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भाग्यश्री बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के साथ जोरदार फैन फॉलोइंग कायम कर ली थी। उनके दीवानगी और क्यूटनेस फैंस के सिर चढ़कर बोलती थी। सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया में उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। भाग्यश्री ने सुमन का रोल निभाया था, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के तुरंत बाद ही उन्होंने शादी कर ली और फिल्म को अलविदा कह दिया, जिसके बाद उनके फैंस को जोर का झटका लगा भी था। इस बात को लेकर भाग्यश्री ने बहुत ही मजेदार खुलासा भी किया है। भाग्यश्री ने हिमालय के साथ शादी के बाद बॉलीवुड को गुड बाय कहने को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, बेचारा, उसे उन सारे फैंस खूब गालियां निकाली होंगी जो इस बात से नाराज थे कि वह मुझे शादी करके बॉलीवुड से दूर ले गया। हर कोई उसे गाली देता होगा। मुझे लगता है कि उस समय सिर्फ मैं ही थी जो उससे प्यार करती थी और बाकी लोग तो उससे नफरत ही करते थे, लेकिन हम दोनों ही जवान थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मुझे समझ आता है कि ईर्ष्या में जाना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी सबकी आंखों का तारा। बता दें, अब उन फैंस के लिए खुशखबरी है जो इन्हें चाहते थे। हालांकि अब वो बड़े हो गए होंगे, खैर प्यार की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए आपको बता दें कि भाग्यश्री प्रभास की फिल्म राधे श्याम में नजर आएंगी। इसके अलावा वे कंगना रनौत की फिल्म थलावी में भी काम कर रही हैं। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन। क्या है हम तुम्हारा? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। आखिर क्या प्रभास के आने से मंडरा रहा है बॉलीवुड पर खतरा? एक के बाद एक कितने फिल्मों में काम कर रहे हैं प्रभास? राधे श्याम से लेकर आदि पुरुष तक क्या है प्रभास के किरदारों की विशेषता? दोस्तों नमस्ते, सलाम, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग मूवी राधे श्याम के लीड एक्टर यानी कि प्रभास के बारे में, जो बाहुबली फ्रेंचाइज में इतने फेमस हो गए थे कि अब हर कोई उनकी फिल्म में एंट्री से थर थर कांपने लगता है। अरे दोस्तों, इसलिए नहीं कि वो बाहुबली है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि हर डायरेक्टर उनको अपनी फिल्म में लेना चाहते।
अब तक अगर प्रभास की आने वाली फिल्मों की बात करें तो ओम राउत की फिल्म में प्रभास भगवान श्री राम के और सैफ अली खान लंकेश के किरदार में नजर आएंगे। इतने विवादों के बाद आखिर फिल्म की तैयारियां शुरू हो ही गई हैं। फिल्म के मोशन कैप्चर के साथ इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर सैफ अली खान और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से ये फिल्म सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे में अब प्रभास इस फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आ चुके हैं, जहां बताया जा रहा है कि 1 मार्च से इस फिल्म की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू हो गई है, जहां प्रभास को आज मुंबई में स्पॉट किया गया था। इस दौरान एक्टर पर्पल कलर की टी शर्ट में नजर आए थे। इससे पहले साउथ के मशहूर एक्टर विजय भी मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने अनन्या पांडे के साथ अपनी फिल्म लाइगर की शूटिंग शुरू करनी थी। आपको बता दें कि बाहुबली स्टार प्रभास को हाल ही में मुंबई के बांद्रा कुलरा कॉम्प्लेक्स के बाहर स्पॉट किया गया था, जहां प्रभास की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कथित तौर पर वो अपनी आगामी फिल्म यानी कि आदि पुरुष के लिए थोड़ा और वजन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ फिल्म सालर में प्रभास एक्शन मोड में दिखने वाले हैं। प्रभास की अलग अलग मूवी की तरह सालर भी एक बिग बजट मूवी होने वाली है, जिसका इंतजार प्रभास के फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं। एक्शन मोड और भक्ति मोड से बिल्कुल अलग किरदार प्रभास अपनी आने वाली मूवी यानी कि राधे श्याम में निभाने वाले हैं, जिसमें वो एक रोमांटिक बॉय के रूप में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में पूजा हेगड़े प्रभास के साथ दिखने वाली है। फिल्म का टीजर 14 फरवरी को रिलीज हुआ था, जिसने सब लोगों को अपना दीवाना कर लिया था। लोग अब बड़ी स्क्रीन पर प्रभास को रोमांस करते देखना चाहते हैं। उसके लिए भी अब फिल्म की रिलीज डेट आ गई है, यानी कि फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली है। ये एक बिग बजट फिल्म होने वाली है, जो कि प्रभास के कपड़ों पर खर्च हुए करोड़ों रुपए से पता चलता है। अब देखना ये होगा कि प्रभास की राधे श्याम आदि पुरुष या सलार स्क्रीन पर क्या कमाल दिखाती है। प्रभास से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ बने रही है, तो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। क्या लगते क्या है, कौन है, कौन हूं मैं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में प्रभास की फिल्म राधे श्याम को रिलीज किया जा सकता है? क्या फिल्म को पैन इंडिया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश है? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल बॉडीग्राफ स्टूडियोज को, ताकि आगे जब भी कोई अपडेट आए आपके फेवरेट हीरोज के बारे में तो आप सबसे पहले उसे देख पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉडीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, प्रभास इस पीढ़ी के पहले एक्टर होने वाले हैं जिनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ एक देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कई स्थानों में भी है। हम बात कर रहे हैं इस पीढ़ी के अभिनेताओं की। पहले भी हमारे देश के कई एक्टर्स की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में रह चुकी है। मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और चाइना में हमारे देश की कई फिल्में लोग थिएटर्स में जाके देखते हैं। रशिया और जापान में भी कुछ सिलेक्टेड एक्टर्स की ही फिल्में देखी जाती हैं। नेपाल, पाकिस्तान और मोरक्को में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जैसा कि कहा जाता है कि रशिया के कई रेस्टोरेंट्स में राज कपूर का मशहूर गाना आवारा हूँ आज भी बजाया जाता है। सिंगर्स और म्यूजिशियंस इस गाने पर लाइव परफॉर्मेंस भी देते हैं और लोग उन रेस्टोरेंट्स में जाते भी हैं। मोरक्को, यूनाइटेड किंगडम जैसी जगहों में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अमिताभ बच्चन और करीना कपूर की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। अमिताभ बच्चन ने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ द ग्रेट गैट्सबी फिल्म में लीड रोल किया था और करीना कपूर को यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने डिनर पर बुलाया था, मगर शूटिंग कमिटमेंट्स की वजह से करीना ने पोलाइटली मना कर दिया था। सिंगापुर और चाइना में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित बहुत बड़ी स्टार्स हैं। श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम ने इंडिया में 40 करोड़ कमाए थे, मगर चाइना में 100 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया था। रणवीर सिंह, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ
कई फॉरेन कंट्रीज में अपनी फिल्मों का हाउसफुल शोज दे चुके हैं और देसी गर्ल प्रियंका तो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर ही रही हैं। एक रिपोर्ट में आया था कि राज कपूर के बाद अगर कोई रशिया में फेमस पॉपुलैरिटी है तो है प्रभास। पूरे विश्व में हॉलीवुड के साथ साथ चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया की भी फिल्म इंडस्ट्रीज काफी कामयाबी पर है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के कई सारे लोग इन देशों की फिल्मों को देखते हैं और इसी के लिए इन देशों की साथ साथ इंडियन फिल्मों का भी मार्केट बड़ा है। बाहुबली ने कई देशों में बहुत अच्छा कारोबार किया था, कुल मिलाकर 1600 करोड़ कमाए थे बाहुबली 2 ने। प्रभास ने एक रीजनल फिल्म एक्टर होकर पूरे देश में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया था। बाहुबली एक हैवी माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट थी जिसमें प्रभास लीड रोल में थे। ये एक अच्छा रोल था तो अगर उनकी फिल्म राधे श्याम की कहानी के ऊपर उतना ही विश्वास रखा जाए तो उन्हें जरूर इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल के साथ साथ हिंदी में और सारे फॉरेन साउथ एशियन लैंग्वेजेस में भी रिलीज करनी चाहिए। जापानीज, चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में रिलीज करने से फायदा हो सकता है क्योंकि इन भाषाओं के लोगों के बीच हमारी फिल्में काफी अच्छा काम करती हैं, उनका मार्केट काफी अच्छा है। आपको क्या लगता है, राधे श्याम के साथ प्रभास को एक और कदम लेना चाहिए फिल्म को पैन वर्ल्ड बनाने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है साई श्रेष्ठ दास ने। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या है? मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता। राधे श्याम में प्रभास के लवर बॉय अवतार को देख लड़कियों पर क्यों छाया है दीवानापन? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राड स्टूडियोज में। राधे श्याम में प्रभास को अपने दशक पुराने लवर बॉय अवतार में लौटता देखा जा सकता है। बहुत सारी एक्शन फिल्में करने के बाद वह एक दशक के बाद रोमांटिक रूप में लौट कर आ रहे हैं। राधे श्याम में इस लवर बॉय रूप में वापसी से उनके फैंस, खासकर लड़कियों पर दीवानापन छा गया है और सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसक लड़कियों को अभिनेता के प्यार में पागल हो रहा देखा जा सकता है। राधे श्याम जो 30 जुलाई 2021 को रिलीज के लिए तैयार है, हाल ही में उस फिल्म का टीजर सामने लाया गया है और तब से लड़कियों को प्रभास के अवतार में देखकर उनका मन नहीं भरा गया है। सोशल मीडिया, मेरी जान, लव यू, 30 जुलाई का इंतज़ार है, इस तरह के अन्य टिप्पणियों से भर गया है। प्रभास का स्टारडम ऐसे ट्रीटमेंट के लिए नया नहीं है क्योंकि पोस्टर 1 एंड पोस्टर 2 रिलीज होने पर से उनका महिला प्रशंसकों से इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आई थी। एक पोस्टर में वह अपने पुराने वाले लवर बॉय के अवतार में और दूसरे में बिल्कुल चॉकलेट बॉय लग रहे थे। पहले दशक में हमने प्रभास को एक्शन मूवी में देखा है और उनकी फिल्मों के साथ उनके फैंस के प्यार और समर्थन की वजह से ही वह अभी इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अभिनेता अब तक व्यस्त व्यक्ति है क्योंकि बहुत सारे फिल्म निर्माता उनके साथ काम करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते उनकी फिल्म सल्लार की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई थी और उनके प्रशंसकों से देरो क्रेजी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। प्रभास के पास वर्तमान से 4 पैन इंडिया फिल्में हैं और उन्होंने अपना लॉकडाउन स्क्रिप्ट्स को साइन करना और पढ़ने में बिता दिया है। आदि पुरुष, राधे श्याम, सल्लार और दीपिका पादुकोण के साथ एक नया अनटाइटल्ड मूवी, सभी फिल्में पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स ही है। वह अपनी आगामी प्रोजेक्ट्स जैसे कि पौराणिक कथाओं, रोमांटिक ड्रामा, साईफाई और सलार की
अनरिवील शैली के साथ विभिन्न शैली की फिल्मों में अभिनय करेंगे। क्या आपका प्यार दीवानापन बन गया है? दीवानी अच्छी बात है। किसी के लिए प्यार में पागलपन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं वे लक्षण जिनसे पता चल जाएगा आपको कि कहीं आपको प्यार है या फिर दीवानगी है किसी से। हमेशा उसकी तरफ देखना और हमेशा उसकी तारीफ करना। इसका पहला लक्षण है उसकी खूब तारीफ करना। अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट देना तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते हैं और उसके बारे में ही बात करते रहते हैं तो आपको खुद को संभालना, दूसरों से बात करते देख नाराज हो जाना। अगर आप हमेशा उसे दूसरी लड़कियों या लड़कों से बात करते देख नाराज हो जाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसे प्यार करती है तो उस पर भरोसा भी रखिए। हमेशा ब्रेकअप की चिंता करना यह निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा लक्षण नहीं है। अगर आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि आपका उससे ब्रेकअप हो जाएगा तो आपको अपने रिश्ते पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते में होने का मतलब है कि आप खुद को सुरक्षित समझें और आपको लगे कि वह आपको प्यार करता है। आप उसे पर्याप्त स्पेस नहीं देती है। यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उसे पर्याप्त समय और स्पेस देते हैं या नहीं। आप उसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह अपना सारा समय आपके साथ ही गुजारे। एक दूसरे से थोड़ा समय अलग होने के बाद जब फिर से मिलते हैं तो आप दोनों को ही एक विशेष अनुभव होता है। ज़रूरत से ज़्यादा उसे चिपकने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे स्पेस दीजिए, वरना वह आपसे उबकर आपसे दूर चले जाएगा। तो क्या आप ये लक्षण महसूस करते हैं या आपने ये लक्षण किसी में देखे हुए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पास बता रहा कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। आखिर भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो है इस शूटिंग के लिए यूरोप से भी महंगा? क्या कहते हैं फिल्म डायरेक्टर सबसे महंगे शहर को लेकर? क्या गुहार लगाई फिल्म इंडस्ट्री ने शहर के मुख्यमंत्री से? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रास स्टूडियोज में, जहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं फिल्म की शूटिंग की जगहों के बारे में। एक फिल्म को बनाने में सिर्फ हीरो और हीरोइन का ही नहीं योगदान होता, बल्कि उन सभी चीज़ों का योगदान होता है जो कि उस फिल्म से जुड़ी होती है। बेशक वो लोकेशन हो, कैमरा हो या फिर कैमरा मैन हो, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी फिल्म को बनाने में जबरदस्त साथ उसकी लोकेशन देती है। और आजकल अच्छी लोकेशन और सुंदर लोकेशन पर फिल्में बनाना की जैसे कि होड़ ही लगी हुई है।
इसी सुंदर जगह में सबसे पहले नाम यूरोप का आता है। यूरोप एक ऐसी लोकेशन है जहां हर डायरेक्टर शूट करना चाहता है। अभी हाल ही में यूरोप में राधे श्याम फिल्म की कुछ सीन्स को शूट किया गया था, लेकिन ऐसी ही हूबहू लोकेशन एक भारत में भी है। आपको बता दें कि वो जगह कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म की शूटिंग को लेकर कई राज खोले। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की ये जगह शूटिंग के लिए यूरोप से भी महंगी है। उत्तराखंड पहुंचे धूलिया ने मीडिया से खुताबिक होते हुए कहा कि उत्तराखंड में वो तमाम लोकेशन है जो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ खूबसूरत झरने हैं, बुग्याल है, नदियाँ हैं, बर्फ से लकदक पर्वत है और जंगल भी है। फिर भी फिल्म निर्माता स्विट्जरलैंड का रुख करते हैं। इसका एकमात्र कारण ये भी है कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण करना यूरोप के विभिन्न लोकेशन से भी ज्यादा महंगा सौदा साबित होता है। बताया कि हवाई टिकट से लेकर लोकेशन तक जाना और रहना, खाना और अन्य चीजों का भी बजट काफी ऊंचा हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने राग देश फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में ही की थी। एक यूनिट में करीब 250 के करीब स्टाफ होता है। जरूरत पड़ने पर कईयों को बुलाया भी जाता है और वापस भी भेजा जाता है। इतने लोगों का हवाई जहाज का किराया मुंबई से यूरोप जाने से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को तत्काल फिल्म नीति बनानी चाहिए। कहा कि स्विट्जरलैंड सब्सिडी देता है तो फिल्म निर्माण वहाँ ही जाते हैं, प्रदेश सरकार को भी सब्सिडी देनी चाहिए। धूलिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी सब्सिडी होनी चाहिए। चाहे तो सरकार कड़े मानक कर दे जिससे केवल गंभीर फिल्म मेकर ही यहाँ आ सके। इससे उत्तराखंड की खूबसूरती को लोग देश विदेशों तक जान सकेंगे। सरकार चाहे तो सब्सिडी राशि सेंसर बोर्ड के रिलीज सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मुक्त भी कर सकती है, जिससे केवल सब्सिडी के लिए ही फिल्म बनाने वालों पर रोक लगा दी जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड प्रदेश सरकार इस पर जल्दी से कोई कानून बनाना चाहेगी या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉली क्रैश वीडियोस को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। दोस्तों, यूरोप की कौन कौन सी जगह है शूटिंग के लिए फेमस और किस फेमस जगह पर किस मूवी की शूटिंग हुई है? राधे श्याम के लिए यूरोप में कौन सी जगह को चुना गया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई और ब्रांडेड वीडियो में, जहाँ हम बात करने जा रहे हैं जिनकी शूटिंग यूरोप के शहर में चल रही है। अब यूरोप का नाम आए और डीडे एलजे का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म तो अपनी देखी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस फिल्म की शूटिंग कहाँ की गई और ये लोकेशन कहाँ स्थित है? इस फिल्म की शूटिंग इंडिया और यूरोप की कई लोकेशंस पर हुई है। डीडीएलजे भारत की सबसे लंबे समय तक सिनेमा पर प्रदर्शित होने वाली फिल्म भी है। मुंबई में मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में इस फिल्म को 1000 हफ्तों से ज्यादा समय तक दिखाया गया था। फिल्म में राज और सिमरन के रोमांस के अल्प्स तो अभी भी खूबसूरत वादियों में फिल्माए गए थे। डीडीएलजे का फर्स्ट शूट ये लंदन का वही प्रमुख चौराहे पर हुआ जहां अमरीश पुरी कबूतरों को दाना खिलाते हैं। हालांकि अब यहाँ कबूतरों को दाना खिलाना प्रतिबंधित है और यह लंदन का एक जाना पहचाना चौक है। फिल्म की शुरुआत में घर आजा परदेसी गाने के साथ में लंदन की साफ सुथरी सड़कों और
ट्रोल फगर स्वेयर क्यों ही दिखाया जाता है। और अब बात आती है गस्टार्ड और योनफ्रो जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं जरा सा झूम लूं मैं गाना तो याद होगा। ये गाना स्विट्जरलैंड की इन्हीं हसीन वादियों में शूट किया गया था। गस्टार्ड की एक चॉकलेट शॉप में ही सिमरन जाती है। इसका नाम अर्ली बेक था और ये योनफ्रे स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख स्थान है जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। यहाँ यूरोप को सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन भी है और यह स्थान अपनी बर्फ की टडी चोटियों के कारण ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों शूट किया गया इसी स्टेशन पर पहले राधे श्याम का सीन शूट होने वाला था लेकिन कोरोना के चलते इस स्टेशन को हैदराबाद के स्टूडियो में क्रिएट किया गया। साउथ हॉल लंदन का एक प्रमुख झलक इलाका है जहां भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है। फिल्म में अमरीश पुरी का स्टोर और उनका घर का बाहरी सीन इसी इलाके में फिल्माया गया था जबकि घर के अंदर की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में की गई थी। इस इलाके में कई भारतीय पब रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल यहीं पर बैंड इट लाइट बेहकम से इस बराबर झूम कर पटियाला हाउस फिल्म की शूटिंग की गई है। यही तो वो रेलवे स्टेशन है जहाँ राज और सिमरन की पहली बार मुलाकात हुई थी। ये लंदन का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। फिल्म में स्टेशन से ही राज और सिमरन ट्रेन पकड़ते हैं। फिल्म में स्टेशन पर राज सिमरन का हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर खींचता है और टूर खत्म होने पर दोनों ही इसी स्टेशन पर वापस लौट आते हैं। ये कुछ यूरोप की ऐसी जगह जी हाँ ना सिर्फ DDLJ की बल्कि बहुत से फिल्मों की शूटिंग हुई है और होती रहती है। यूरोप की ऐसी ही लव स्टोरी फिल्म राधे श्याम में दिखने वाली है लेकिन इसमें कौन कौन सी जगह पर शूट किया गया है ये भी हमारे आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें लेकिन अब मेरा अलविदा बोलने का समय आ गया है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या है तुम्हारे कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार मोहब्बत आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। कौन सी लैंग्वेजेस में प्रभास की फिल्म राधे श्याम को रिलीज किया जा सकता है? क्या फिल्म को पैन इंडिया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश है? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल बॉडीग्राफ स्टूडियोज को ताकि आगे जब भी कोई अपडेट आए आपके फेवरेट हीरोज के बारे में तो आप सबसे पहले उसे देख पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉडीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों प्रभास इस पीढ़ी के पहले एक्टर होने वाले हैं जिनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ एक देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कई स्थानों में भी है। हम बात कर रहे हैं इस पीढ़ी के अभिनेताओं की। पहले भी हमारे देश के कई एक्टर्स की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में रह चुकी है। मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और चाइना में हमारे देश की कई फिल्में लोग थिएटर्स में जाके देखते हैं। रशिया और जापान में भी कुछ सिलेक्टेड एक्टर्स की ही फिल्में देखी जाती हैं। नेपाल, पाकिस्तान और मोरक्को में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जैसा कि कहा जाता है कि रशिया के कई रेस्टोरेंट्स में राज कपूर का मशहूर गाना आवारा हूँ आज भी बजाया जाता है। सिंगर्स और म्यूजिशियंस इस गाने पर लाइव परफॉर्मेंस भी देते हैं और लोग उन रेस्टोरेंट्स में जाते भी हैं। मोरक्को, यूनाइटेड किंगडम जैसी जगहों में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अमिताभ बच्चन और करीना कपूर की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। अमिताभ बच्चन ने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ द ग्रेट गैट्सबी फिल्म में लीड रोल किया था और करीना कपूर को US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने डिनर पर बुलाया था मगर शूटिंग कमिटमेंट्स की वजह से करीना ने पोलाइटली मना कर दिया था। सिंगापुर और चाइना में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित
बहुत बड़ी स्टार्स हैं। श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम ने इंडिया में 40 करोड़ कमाए थे मगर चाइना में 100 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया था। रणवीर सिंह, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ कई फॉरेन कंट्रीज में अपनी फिल्मों का हाउसफुल शोज दे चुके हैं और देसी गर्ल प्रियंका तो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर ही रही है। एक रिपोर्ट में आया था कि राज कपूर के बाद अगर कोई रशिया में फेमस पॉपुलैरिटी है तो है प्रभास। पूरे विश्व में हॉलीवुड के साथ साथ चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया की भी फिल्म इंडस्ट्रीज काफी कामयाबी पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के कई सारे लोग इन देशों की फिल्मों को देखते हैं और इसी के लिए इन देशों की साथ साथ इंडियन फिल्मों का भी मार्केट बड़ा है। बाहुबली ने कई देशों में बहुत अच्छा कारोबार किया था। कुल मिलाकर 1600 करोड़ कमाए थे बाहुबली 2 ने। प्रभास ने एक रीजनल फिल्म एक्टर होकर पूरे देश में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया था। बाहुबली एक हैवी माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट थी जिसमें प्रभास लीड रोल में थे। ये एक अच्छा रोल था तो अगर उनकी फिल्म राधे श्याम की कहानी के ऊपर उतना ही विश्वास रखा जाए तो उन्हें जरूर इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगू और तमिल के साथ साथ हिंदी में और सारे फॉरेन साउथ एशियन लैंग्वेजेस में भी रिलीज करनी चाहिए। जापानीज, चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में रिलीज करने से फायदा हो सकता है क्योंकि इन भाषाओं के लोगों के बीच हमारी फिल्में काफी अच्छा काम करती हैं, उनका मार्केट काफी अच्छा है। आपको क्या लगता है, राधे श्याम के साथ प्रभास को एक और कदम लेना चाहिए फिल्म को पैन वर्ल्ड बनाने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है साई श्रेष्ठ दास ने। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता। राधे श्याम में प्रभास के लवर बॉय अवतार को देख लड़कियों पर क्यों छाया है दीवानापन। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। राधे श्याम में प्रभास को अपने दशक पुराने लवर बॉय अवतार में लौटता देखा जा सकता है। बहुत सारी एक्शन फिल्में करने के बाद वह एक दशक के बाद रोमांटिक रूप में लौट कर आ रहे हैं। राधे श्याम में इस लवर बॉय रूप में वापसी से उनके फैंस खासकर लड़कियों पर दीवानापन छा गया है और सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसक लड़कियों को अभिनेता के प्यार में पागल हो रहा देखा जा सकता है। राधे श्याम जो 30 जुलाई 2021 को रिलीज के लिए तैयार है, हाल ही में उस फिल्म का टीजर सामने लाया गया है और तब से लड़कियों को प्रभास के अवतार में देखकर उनका मन नहीं भरा गया है। सोशल मीडिया मेरी जान, लव यू, 30 जुलाई का इंतज़ार है, इस तरह के अन्य टिप्पणियों से भर गया है। प्रभास का स्टारडम ऐसे ट्रीटमेंट के लिए नया नहीं है क्योंकि पोस्टर 1 एंड पोस्टर 2 रिलीज होने पर से उनका महिला प्रशंसकों से इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आई थी। एक पोस्टर में वह अपने पुराने वाले लवर बॉय के अवतार में और दूसरे में बिल्कुल चॉकलेट बॉय लग रहे थे। पहले दशक में हमने प्रभास को एक्शन मूवी में देखा है और उनकी फिल्मों के साथ उनके फैंस के प्यार और समर्थन की वजह से ही वह अभी इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अभिनेता अब तक व्यस्त व्यक्ति है क्योंकि बहुत सारे फिल्म निर्माता उनके साथ काम करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते उनकी फिल्म सल्लार की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई थी और उनके प्रशंसकों से देरों क्रेजी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। प्रभास के पास वर्तमान से 4 पैन इंडिया फिल्में हैं और उन्होंने अपना लॉकडाउन स्क्रिप्ट्स को साइन करना और पढ़ने में बिता दिया है। आदि पुरुष, राधे श्याम, सल्लार और दीपिका पादुकोण के साथ एक नया अनटाइटल्ड मूवी, सभी फिल्में पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स ही हैं।
वह अपनी आगामी प्रोजेक्ट्स जैसे कि पौराणिक कथाओं, रोमांटिक ड्रामा, साईफाई और सलार की अनरिवील शैली के साथ विभिन्न शैली की फिल्मों में अभिनय करेंगे। क्या आपका प्यार दीवानापन बन गया है? दीवानी अच्छी बात है, किसी के लिए प्यार में पागलपन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं वे लक्षण जिनसे पता चल जाएगा आपको कि कहीं आपको प्यार है या फिर दीवानगी है किसी से। हमेशा उसकी तरफ देखना और हमेशा उसकी तारीफ करना, इसका पहला लक्षण है उसकी खूब तारीफ करना। अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट देना तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते हैं और उसके बारे में ही बात करते रहते हैं तो आपको खुद को संभालना, दूसरों से बात करते देख नाराज हो जाना। अगर आप हमेशा उसे दूसरी लड़कियों या लड़कों से बात करते देख नाराज हो जाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसे प्यार करती है तो उस पर भरोसा भी रखिए। हमेशा ब्रेकअप की चिंता करना यह निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा लक्षण नहीं है। अगर आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि आपका उससे ब्रेकअप हो जाएगा तो आपको अपने रिश्ते पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते में होने का मतलब है कि आप खुद को सुरक्षित समझें और आपको लगे कि वह आपको प्यार करता है। आप उसे पर्याप्त स्पेस नहीं देती है। यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उसे पर्याप्त समय और स्पेस देते हैं या नहीं। आप उसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह अपना सारा समय आपके साथ ही गुजारे। एक दूसरे से थोड़ा समय अलग होने के बाद जब फिर से मिलते हैं तो आप दोनों को ही एक विशेष अनुभव होता है। ज़रूरत से ज़्यादा उसे चिपकने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे स्पेस दीजिए, वरना वह आपसे उबकर आपसे दूर चले जाएगा। तो क्या आप ये लक्षण महसूस करते हैं या आपने ये लक्षण किसी में देखे हुए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है कौन हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पास बता कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। आखिर भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो है इस शूटिंग के लिए यूरोप से भी महंगा? क्या कहते हैं फिल्म डायरेक्टर सबसे महंगे शहर को लेकर? क्या गुहार लगाई फिल्म इंडस्ट्री ने शहर के मुख्यमंत्री से? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज में, जहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं फिल्म की शूटिंग की जगहों के बारे में। एक फिल्म को बनाने में सिर्फ हीरो और हीरोइन का ही नहीं योगदान होता, बल्कि उन सभी चीजों का योगदान होता है जो कि उस
फिल्म से जुड़ी होती है, बेशक वो लोकेशन हो, कैमरा हो या फिर कैमरा मैन हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी फिल्म को बनाने में जबरदस्त साथ उसकी लोकेशन देती है, और आजकल अच्छी लोकेशन और सुंदर लोकेशन पर फिल्में बनाना की जैसे कि होड़ ही लगी हुई है। इसी सुंदर जगह में सबसे पहले नाम यूरोप का आता है। यूरोप एक ऐसी लोकेशन है जहां हर डायरेक्टर शूट करना चाहता है। अभी हाल ही में यूरोप में राधे श्याम फिल्म की कुछ सीन्स को शूट किया गया था, लेकिन ऐसी ही हूबहू लोकेशन एक भारत में भी है। आपको बता दें कि वो जगह कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म की शूटिंग को लेकर कई राज खोले। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की ये जगह शूटिंग के लिए यूरोप से भी महंगी है। उत्तराखंड पहुंचे धूलिया ने मीडिया से खुताबिक होते हुए कहा कि उत्तराखंड में वो तमाम लोकेशन है जो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ खूबसूरत झरने हैं, बुग्याल है, नदियाँ हैं, बर्फ से लगभग पर्वत है और जंगल भी है। फिर भी फिल्म निर्माता स्विट्जरलैंड का रुख करते हैं। इसका एकमात्र कारण ये भी है कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण करना यूरोप के विभिन्न लोकेशन से भी ज्यादा महंगा सौदा साबित होता है। बताया कि हवाई टिकट से लेकर लोकेशन तक जाना और रहना, खाना और अन्य चीजों का भी बजट काफी ऊंचा हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने राग देश फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में ही की थी। एक यूनिट में करीब 250 के करीब स्टाफ होता है। जरूरत पड़ने पर कईयों को बुलाया भी जाता है और वापस भी भेजा जाता है। इतने लोगों का हवाई जहाज का किराया मुंबई से यूरोप जाने से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को तत्काल फिल्म नीति बनानी चाहिए। कहा कि स्विट्जरलैंड सब्सिडी देता है तो फिल्म निर्माण वहाँ ही जाते हैं, प्रदेश सरकार को भी सब्सिडी देनी चाहिए। धूलिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी सब्सिडी होनी चाहिए। चाहे तो सरकार कड़े मानक कर दे जिससे केवल गंभीर फिल्म मेकर ही यहाँ आ सके। इससे उत्तराखंड की खूबसूरती को लोग देश विदेशों तक जान सकेंगे। सरकार चाहे तो सब्सिडी राशि सेंसर बोर्ड के रिलीज सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मुक्त भी कर सकती है, जिससे केवल सब्सिडी के लिए ही फिल्म बनाने वालों पर रोक लगा दी जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड प्रदेश सरकार इस पर जल्दी से कोई कानून बनाना चाहेगी या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉली क्रैश वीडियोस को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर क्या होने वाला है प्रभास का बॉलीवुड में नेक्स्ट स्टेप? क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं प्रभास अपना बेस टॉलीवुड से बॉलीवुड? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब बॉलीग्रे स्टूडियो से कुछ अपडेट्स आए आपके फेवरेट हीरोज के बारे में, तब आप सबसे पहले जान पाए। दोस्तों, भाषा के अलावा बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा में एक और फर्क है, और वो है रीच या ऑडियंस, जो भाषा के वजह से ही बांट गई है। और अगर तुम सबको तेलुगु, बंगाली या मराठी आती तो इन भाषाओं की फिल्में भी देश भर के थिएटर्स में रिलीज होती। कई रीजनल फिल्म स्टार्स ने अपनी भाषाओं की फिल्मों में कामयाबी पाने के बाद बॉलीवुड में फिल्म बनाने की प्रयास किया है। साउथ के रजनीकांत, श्रीदेवी, जया प्रदा, कमल हसन जैसे एक्टर्स ने बॉलीवुड में अपना नाम और पहचान बनाई है। श्रीदेवी बॉलीवुड में आने के बाद देश की पहली फीमेल सुपरस्टार कहलाई गई। हालांकि सारे साउथ सुपरस्टार्स हिंदी में उतने बड़े स्टार्स नहीं बन पाए। बंगाली से भी विश्वजीत, इंद्राणी हालदार, सुचित्रा सेन जैसे एक्टर्स ने हिंदी सिनेमा में नाम कमाने की कोशिश की। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सत्यजीत रे ने भी बंगाल में पथेर पाचाली और ओपुर शौनचार जैसी फिल्में करने के बाद भी बॉलीवुड में शतरंज के खिलाड़ी फिल्म की थी। सारे रीजनल फिल्म आर्टिस्ट एक बार बॉलीवुड में ट्राई जरूर करते हैं, मगर किसी का प्रयास ऐसे राजामौली के तरह नहीं थे, जिन्होंने अपनी फिल्म बाहुबली को हिंदी में रिलीज करवाने के साथ साथ फिल्म के सारे एक्टर्स प्रभास, राणा दग्गुबती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना और राम्या कृष्णन को देश भर में प्रसिद्ध करवाया था। जल्द ही प्रभास के साथ कई डायरेक्टर्स ने काम करने की इच्छा जताई। प्रभास ने भी इस मौके का फायदा उठाकर श्रद्धा कपूर के साथ साहो फिल्म की।
इस फिल्म को भी बाहुबली के राइटर ने ही लिखा था, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। तो प्रभास को एहसास हुआ कि जल्दबाजी में बॉलीवुड की कोई भी बड़ी फिल्म किसी भी बड़ी एक्ट्रेस के साथ उन्हें ऐसे नहीं कर लेनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक साल का ब्रेक लिया। हाँ हाँ, 2020 हर किसी के लिए ही ब्रेक था। फिर उन्होंने सोच सोच कर अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ फिल्मों को साइन करने का सोचा। टी सीरीज की फिल्म राधे श्याम इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। कौन सी लिस्ट? प्रभास के बॉलीवुड मेकओवर की लिस्ट। प्रभास का साउथ में और भी बड़ा फैन बेस है। राधे श्याम दरअसल एक हिंदी फिल्म है। इसको टी सीरीज एक बॉलीवुड फिल्म और म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, मगर इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में काम करने के साथ ही साउथ में भी अपना एक मार्केट बनाया है। इसलिए फिल्म को तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा जैसी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज किया जाएगा। प्रभास का एम है सिर्फ पैन इंडिया फिल्म्स करना, क्योंकि उनकी हिंदी अभी उतनी पक्की नहीं है और साउथ के फैंस भी उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्रभास अपने हिंदी फिल्म्स को भी साउथ की भाषाओं में डब करवाएंगे। अब देखना है कि आदि पुरुष, सलार या फिर शायद वॉर 2 से वो बॉलीवुड में अपने से पहले आए सक्सेसफुल साउथ सितारों जैसे श्रीदेवी की तरह बन पाते हैं या नहीं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। कैसा रिस्पांस मिला राधे श्याम की फिल्म के ट्रेलर को? आखिर किस अवतार में दिखेंगे प्रभास इस फिल्म में? बॉलीग्रास स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। फिल्म राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और बहुत लंबे समय के बाद प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म राधे श्याम में प्रभास और पूजा हेगड़े के अलावा सचिन खेडकर, भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा, साशा शेत्री, कुणाल रॉय कपूर, सतराज, जगपति बाबू, जयराम, बीना बनर्जी, रिद्धि कुमार और सत्यन भी नजर आएंगे। इस फिल्म के अलावा प्रभास जल्दी आदि पुरुष में भी नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में एक्टर राम का किरदार अदा करेंगे, तो वहीं सैफ अली खान रावण के रोल में नजर आएंगे। क्या आपको लगता है कि एक्शन स्टार और साउथ के मेगा स्टार प्रभास को दर्शक रोमांस करते हुए देखना पसंद करेंगे? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृत। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो? कैसा है राधे श्याम का टीजर? आखिर क्या कहना है भूषण कुमार का फिल्म के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म राधे श्याम में प्रभास और पूजा हेगड़े के अलावा सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा, साशा छेत्री और कुणाल रॉय कपूर, सत्यराज, जगपति बाबू, जयराम, बीना बैनर्जी, रिद्धि कुमार और सत्यन भी नजर आएंगे। दुनिया भर के प्रशंसकों को प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा का इंतजार था। राधे श्याम फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है, जिसे गुलशन कुमार और टी सीरीज ने प्रस्तुत किया है और यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। आज फिल्म से प्रभास और पूजा हेगड़े का पहला लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के पोस्टर में प्रभास और पूजा हेगड़े नजर आ रहे हैं। राधे श्याम बिग बजट की फिल्म है और इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म को चार भाषाओं में, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा। प्रभास ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा करते हुए लिखा, ये आपके लिए है मेरे फैंस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। यूवी क्रिएशंस के प्रमोद कहते हैं, ये हम सभी के लिए एक रोमांचक क्षण है कि हमने अपने अगले प्रोजेक्ट राधे श्याम से प्रभास और पूजा हेगड़े का बहुत प्रतीक्षित पोस्टर रिलीज कर दिया है। प्रभास के साथ काम करना हमेशा मजेदार और समृद्ध रहा है। हमें हमारे पिछले प्रोजेक्ट साहू के बाद भूषण कुमार और टी सीरीज की टीम के साथ फिर से काम करके खुशी महसूस हो रही है, जिसे सभी से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। टी सीरीज के भूषण कुमार कहते हैं, साहू के लिए प्रभास और यूवी क्रिएशंस की टीम के साथ काम करना एक अनुभव था। हम एक बहुशाली फिल्म के साथ अपने प्रोडक्शन का विस्तार कर सकते हैं।
जब हमने एक और सहयोग पर चर्चा शुरू की तो फिर एक साथ काम करने के लिए राधे श्याम एकदम सही विकल्प लगा। इस फर्स्ट लुक लॉन्च के साथ हम फिल्म से प्रभास और पूजा की केमिस्ट्री की एक झलक साझा कर रहे हैं और हम इंडस्ट्री से ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो फिल्म को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। क्या आपको लगता है कि राधे श्याम भी बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर हो पाएगी? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल बॉलीग्लैड स्टूडियो। आखिर क्या कहना था फिल्म के निर्माता प्रमोद का फिल्म के बारे में? प्रशंसकों ने कैसे दर्शाया प्रभास और उनकी आने वाली फिल्म राधे श्याम के लिए प्यार? तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों पिछली फिल्म साहो से निराश हुए बाहुबली स्टार प्रभास के प्रशंसकों को उनके चहेते स्टार ने नया तोहफा दिया है। ये तोहफा है उनकी अगली फिल्म राधे श्याम का आकर्षक पोस्टर। पोस्टर रिलीज की तारीख हालांकि पहले से तय थी, लेकिन सुबह सुबह उत्तर प्रदेश में वांछित अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर की खबरों ने पोस्टर रिलीज का रंग फीका कर दिया था। अब दोस्तों राधा कृष्ण कुमार निर्देशित फिल्म राधे श्याम की प्रस्तुतकर्ता कंपनी है टी सीरीज और इसे प्रोड्यूस किया है मूवी क्रिएशंस ने। दोस्तों बता दूं कि फिल्म से प्रभास और पूजा हेगड़े का पहला लुक इस पोस्टर के जरिए ही रिलीज किया गया था। दोस्तों फिल्म के पोस्टर में प्रभास और पूजा हेगड़े एक उग्र परिदृश्य के बीचों बीच खड़े नजर आ रहे हैं। राधे श्याम विशाल बजट में बनी एक बड़ी फिल्म है और साल 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। दोस्तों बता दूं कि प्रभास ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा करते हुए अपने फैंस के लिए संदेश लिखा। ये आपके लिए है मेरे फैंस, आप इसे पसंद करेंगे। फिल्म के निर्माता प्रमोद कहते हैं कि हम सभी के लिए एक रोमांचक क्षण है कि हमने अपने अगले प्रोजेक्ट राधे श्याम से प्रभास और पूजा हेगड़े का बहुप्रतीक्षित पोस्टर रिलीज कर दिया है। प्रभास के साथ काम करना हमेशा अच्छा अनुभव रहा है। इसके अलावा साहो के बाद भूषण कुमार और टी सीरीज की टीम के साथ फिर से काम करके भी हमें खुशी महसूस हो रही है। वहीं राधे श्याम के पोस्टर रिलीज पर टी सीरीज के CMD भूषण कुमार कहते हैं, साहो के लिए प्रभास और यूवी क्रिएशंस की टीम के साथ काम करना एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्होंने बताया कि हम एक बहुभाषी फिल्म के साथ अपने प्रोडक्शन का विस्तार कर सकते हैं। जब हमने एक और सहयोग पर चर्चा शुरू की तो फिर से एक साथ काम करने के लिए राधे श्याम एकदम सही विकल्प लगा। साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम के साथ दर्शकों के मनोरंजन के लिए तैयार है। अभिनेता के एक फैन ने हैदराबाद में नए रेस्टोरेंट पक्का लोकल का उद्घाटन किया है दोस्तों, जिसमें प्रभास का हालिया रिलीज राधे श्याम का पोस्टर लगाया है। दरअसल होटल का ओनर प्रभास का फैन है और इसी वजह से उसने ऐसा किया है। प्रभास के फैंस अक्सर कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे बाहुबली एक्टर को सरप्राइज मिलता रहता है। वहीं दर्शक कहानी के बारे में भी अनुमान लगा रहे हैं, क्या ये बदला लेने वाला नाटक होगा या एक्शन थ्रिलर या एक रोमांटिक फिल्म। दर्शक भी बेसब्री से प्रभास और पूजा हेगड़े की नई जोड़ी देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में प्रशंसकों ने एक ग्लास पर प्रभास की तस्वीर छापी और इसे बतौर एक डिश के रूप में बेचते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, कुछ प्रशंसकों ने बाहुबली थाली जैसा खाद्य पदार्थों की भी बिक्री शुरू कर दी है, जिसमें बाहुबली के सभी किरदारों के नाम को उनके फूड मेन्यू के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। एक अन्य डिश बाहुबली सा क्या है? हम तुम्हारे कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। क्या प्रभास की फिल्म राधे श्याम से दीपिका को किया गया बाहर? किन किन विदेशी शहरों में हुई राधे श्याम की शूटिंग? क्या राधे श्याम बनी साउथ की आने वाली सबसे महंगी फिल्म? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। राधे श्याम एक आगामी भारतीय तेलुगु फिल्म है जिसकी कहानी रोमांटिक ड्रामा के आधार पर बनाई गई है। 250 करोड़ के बजट से बनी यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को भारतीय सिनेमाघरों में प्रस्तुत की जाएगी। राधे श्याम के लेखन व निर्देशन का नाम फिल्म मेकर राधा कृष्ण कुमार द्वारा किया गया है। मार्च 2015 में आई तेलुगु एक्शन मूवी जिल का निर्देशन भी राधे कृष्ण ने ही संभाला था। यूवी क्रिएशंस व टी सीरीज के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म के निर्माता श्री कृष्णम राजू जी है।
साथ ही इसके निर्माण में टी सीरीज के भूषण कुमार व यूवी क्रिएशन के कृष्णा रेड्डी भी शामिल है। फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आएंगे बाहुबली व साहो की प्रसिद्ध पा चुके अभिनेता प्रभास। भले साहू को दर्शकों द्वारा ज्यादा प्यार नहीं मिला, परंतु प्रभास के फैंस के अंदर एक बार फिर से उत्साह भर उठा है। अभिनेत्री पूजा हेगड़े इस फिल्म की मुख्य अधिकारा के रूप में भी नजर आएंगी। पूजा ने महर्षि, डेंजरस जानबाज व सक्षम जैसी हिट पिक्चर्स दी है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आने वाले फिल्म्स कभी ईद कभी दिवाली, सर्कस व आचार्य में भी पूजा हेगड़े दिखाई दे सकती है। राधे श्याम को 4 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु व मलयालम में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के पहले लुक लॉन्च की पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, मेरे प्यारे फैंस, ये आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगी। 2020 में जब इस फिल्म की घोषणा की गई थी तो खबरें थी कि बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इस फिल्म की मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। बीच में पैसों को लेकर निर्माताओं व अभिनेत्री के बीच किसी प्रकार की अनबन होने की खबर भी उठ रही थी, जिसके कारण शायद आगे की बात नहीं बनी। पर फिल्म के पोस्टर में दीपिका नजर नहीं आ रही है, जिससे ये तो साबित होता है कि फिल्म के कास्ट में दीपिका का नाम नहीं है। हालांकि निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने फिल्म के बारे में बताते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत से ही पूजा हेगड़े का नाम तय किया गया है। अब यह बात उन्होंने किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रोवर्सी को रोकने के लिए किया है या सच्चाई साझा की है, इसका कोई जवाब नहीं है। पर साउथ की इस मूवी का नाम अनेकों महंगी फिल्मों के लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। राधा कृष्ण प्रभास के बारे में कहते हुए उनका हमेशा से ही इस एक्टर के साथ काम करने का सपना रहा था और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें आखिरकार उस सपने को पूरा करने का मौका मिल गया। फिल्म में प्रभास विक्रमादित्य नामक एक किरदार की में नजर आएंगे जो कि एक ज्योतिषी है। पूजा प्रेरणा नाम की स्त्री है। फिल्म के बारे में ठोस जानकारी नहीं दी गई है, परंतु इतना बताया गया है कि ये यूरोप स्थित 1970 के दशक की एक प्रेम कहानी है जिसकी शूटिंग हैदराबाद, इटली व जॉर्जिया में हुई है। पूजा ने जॉर्जिया की शूट पर निकलने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ एक फोटो भी शेयर किया था। फिल्म की शूटिंग मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से रोक दी गई थी, जिसके बाद इसे सीधा अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया। फिल्म के कुछ कास्ट सीन्स की शूटिंग हैदराबाद के फलकनामा पैलेस में की गई है। इस प्रोजेक्ट के बाद प्रभास सलार नामक एक फिल्म की शूटिंग भी करेंगे, जिसे प्रशांत नील द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने ओम राउत के आने वाली फिल्म आदि पुरुष पर भी साइन कर दिया है, जो एक 3D फिल्म होगी। निर्माताओं ने हाल ही में घोषणा किया है कि ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को स्क्रीन पर आ जाएगी। उनके पास नाग अश्विन की परियोजना भी है। इससे ये बात तो साफ जाहिर होता है कि राधे श्याम के बाद दर्शकों को पूजा व प्रभास दोनों की ही अन्य फिल्मों में देखने को मौका मिलेगा। भले ही साहो ने प्रभास के फैंस को कुछ निराश सा कर दिया था, मगर इस बार राधे श्याम क्या क्या धमाल मचाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आपका इस फिल्म के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है भूमिका त्रिपाठी। जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूं, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती। आखिर कैसा है राधे श्याम का प्री टीजर? कौन करेगा फिल्म का म्यूजिक डायरेक्शन?
मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। राधे श्याम की टीम अलग अलग संगीत निर्देशकों को एक साथ लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म में सभी गाने अलग अलग वर्जन में एक दूसरे से अलग होंगे, जो कि भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया है। प्रभास की मल्टी लैंग्वेज फिल्म राधे श्याम का प्रीटीजर वीडियो हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट का माहौल बना दिया है। हालांकि एक बात जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था वो इस मगनम ओप्स की साउंड ट्रैक है। साउंड ट्रैक एल्बम को फिल्म का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है, जो कि कहानी में जान फूंक देता है। यही वजह है कि फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर की भूमिका को सर्वोच्च माना जाता है। राधे श्याम की टीम अलग अलग मार्केट से अलग अलग संगीत निर्देशकों को एक साथ लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म में सभी गाने अलग अलग वर्जन में एक दूसरे से अलग होंगे, जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया है। इसका मतलब ये है कि विभिन्न टीम हिंदी और तेलुगु में अलग अलग गाने तैयार करेंगे, लेकिन फिर भी गानों का फील और उनका इमोशन एक जैसा रहेगा। अतीत में दर्शकों ने जो कुछ देखा है उससे यह बहुत ही अलग है। इस तरह के एक प्रयास को आकार देने के लिए न केवल बेहद समय की आवश्यकता है, बल्कि ये काफी मुश्किल भी है, क्योंकि अभिनेताओं ने भी सभी गानों को अलग अलग कोरियोग्राफी के साथ शूट किया है। राधे श्याम जैसी ग्रैंड फिल्म के लिए ये एक म्यूजिकल कास्टिंग आउट से कम नहीं है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। हिंदी गाने की बात करें तो मिथुन फिल्म के लिए दो गानों की रचना करेंगे और मानन भारद्वाज एक गाने की रचना करेंगे। उसके अलावा हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज कुमार और मनोज मुंतशीर द्वारा गानों के लिरिक्स पर काम किया जाएगा। तेलुगु गीतों के लिए जस्टिन प्रभाकर को संगीत निर्देशक के रूप में कार्यभार सौंपा गया है, जिसके लिरिक्स कृष्ण कांत द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म राधे श्याम में प्रभास लगभग एक दशक के बाद रोमांटिक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की पहले घोषणा में बाद से प्रशंसक पान इंडिया स्टार प्रभास को फिल्म में खूबसूरत अदाकारा पूजा हेगड़े के संग रोमांस करता देखने के लिए बेहद उत्साहित है। राधे श्याम का निर्देशन राधा कृष्ण कुमार कर रहे हैं और गुलशन कुमार टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म यूवी कृष्ण द्वारा निर्मित है। फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को पूजा हेगड़े और प्रभास की जोड़ी पसंद आएगी? कमेंट करें, हमें अपनी राय बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय संस्कृति। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रन नहीं हूं। क्या आशिकी? सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता दो कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। बजट पर बन रही है प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम। क्या चुनौती है राधे श्याम के प्रोड्यूसर्स के सामने? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में।
मेगा स्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्म राधे श्याम फिल्मिंग की आखिरी स्टेज में है। मेकर्स ने कंफर्म किया है कि फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होगी बड़े पर्दे पर प्रभास और उनके कजन के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है फिल्म का बजट। प्रभास के कजन प्रशीदा और प्रमोद प्रोजेक्ट को बैंक रोल कर रहे हैं और वामसी इसके को प्रोड्यूसर है। फिल्म 2018 से बन रही है और इसका बजट लगभग 250 करोड़ था, पर अब ये बढ़कर 350 हो चुका है। प्रभास की फैन फॉलोइंग और फिल्म के लिए दर्शकों में उनके क्रेज की वजह से सामान्य परिस्थिति में फिल्म का बजट एक इशू नहीं होता, पर कोरोना वायरस पैंडेमिक ने सब बदल कर रख दिया है। पैंडेमिक की वजह से थिएट्रिकल बिजनेस डूब गया है, ओवरसीज मार्केट का भी बहुत बुरा हाल है और इसे रिकवर करने में काफी समय लगेगा। इस वजह से इस फिल्म के प्रोड्यूसर रेवेन्यू नहीं कमा पाएंगे और इसी वजह से बजट की रिकवरी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। फिल्म के हिंदी राइट्स तो टी सीरीज को कब को बेच चुके हैं, पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म की कमाई पर कोरोना की वजह से असर आ जाएगा और यही प्रभास और उनकी टीम की चिंता का विषय है। प्रभास एक के बाद एक बड़े बजट की फिल्म साइन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके कलीग से कोई कंपटीशन ही नहीं है, खासकर टॉलीवुड के टॉप रेटेड एक्टर्स से। अभी प्रभास तीन प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, जो हैं राधे श्याम, प्रभास 21 और आदि पुरुष। राधे श्याम 350 करोड़ के बजट पर बनने जा रही है, जबकि नाग अश्विन की प्रभास 21 फिल्म 250 करोड़ के बजट में, आदि पुरुष 500 करोड़ के महंगे बजट में बनेगी। प्रभास नाग अश्विन की फिल्म के लिए 70 करोड़ ले रहे हैं और आदि पुरुष के लिए 100 करोड़। एक बात तो स्पष्ट है कि राधे श्याम की तरह कई और बड़े बजट की फिल्मों को कोरोना महामारी की वजह से थिएटर पर दर्शकों के ना आने से भारी नुकसान हो रहा है और बड़ी बजट की फिल्मों के प्रोड्यूसर्स की अब ये दुविधा बन चुकी है कि अपना इतना बड़ा बजट वो कैसे रिकवर करें। वो थिएटर्स पर फिल्म रिलीज भी करना चाहते हैं और 100% ऑडियंस पार्टिसिपेशन भी, पर लोग अब थिएटर्स जाकर फिल्म देखने में दिलचस्पी नहीं रखते। बड़ी बजट वाली फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म्स को बेचना भी नहीं चाहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिल्म को किसी OTT प्लेटफॉर्म को बेचने से फिल्म कुछ ही ऑडियंस तक सीमित हो पाएगी और कमाई भी फिक्स्ड होगी, क्योंकि OTT में फिल्म बेचते का एक ही बार में पैसा मिलता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राधे श्याम, आदि पुरुष, 83, गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बड़े बजट की फिल्मों का क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या राधे श्याम को थिएटर्स पर रिलीज करना एक सही सोच होगा? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक। जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूं, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है। पूजा हेगड़े और प्रभास की राधे श्याम, क्या होने वाली है राधे श्याम की खास बातें और क्या रिलेशनशिप में इंटिमेसी जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। राधे श्याम में आपको प्यार की कहानी दिखाई जानी है, इसीलिए प्यार से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहले राधे श्याम की बात करते हैं, जिसमें पूजा हेगड़े और प्रभास नजर आने वाले हैं। इसकी कई झलकियां हमारे सामने आ चुकी है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा कर रख दिया है। और ये फिल्म जो है इसका शूट अभी हैदराबाद में चल रहा है और अगले साल इसे रिलीज किए जाने का प्लान है। और दोस्तों, प्यार की बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप में इंटिमेसी की क्या महत्वपूर्ण है ये हम आपको बताने वाले हैं। रिलेशनशिप में इंटिमेसी को लेकर यूरोपीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने गैर यौन तरीके से कई कपल्स के रिश्तों को परखा है और समझा है कि इंटिमेसी होने से रिलेशनशिप में क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर वन ये कि एक दूसरे को समझने में आपको मदद मिलती है अगर आपके रिलेशनशिप में इंटिमेसी है।
रिलेशनशिप में इंटीमेसी लाने से आप अपने साथी को और भी करीब से समझ सकते हैं। आप भविष्य की योजनाओं के साथ साथ बीते कल की भी बातें उनके साथ साझा करने में खुशी महसूस करते हैं। हर इंसान का रवैया और व्यवहार अलग अलग हो सकता है। रिलेशनशिप में इंटीमेसी के जरिए आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को और भी करीब से समझ सकते और सीख सकते हैं। इसके बाद जो भी दोनों की एक दूसरे की इच्छाएँ होती हैं, आशंकाएँ होती है, वो सब आप अच्छे से महसूस करते हैं, क्योंकि आप और भी करीब आ जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका भरोसा बढ़ जाता है। शारीरिक इंटीमेसी किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्स करना है। शारीरिक इंटीमेसी के लिए आप साथी का हाथ पकड़ सकते हैं, उसे किस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने साथी पर अपार भरोसा कर पाते हैं और ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है। तीसरी चीज़, रिलेशनशिप में इंटीमेसी आने से साथी एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक ये आपस में प्यार भी बढ़ा सकता है। जैसे कि आपको रात में क्या खाना है, कहाँ घूमना है, फिर आपको अपने फैसले कैसे लेने चाहिए, इसके बारे में आप अपने साथी पर निर्भर हो सकते हैं, जो कि भावात्मक रूप से भी आपको मजबूत बनाता है आपके रिलेशनशिप को। तीसरी चीज़ ये कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं आप, सबसे अहम हो जाता है ये। एक दूसरे के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते को शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। और एक दूसरे की देखभाल के ज़रिए बिना सेक्स किए भी एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। साथ ही खुद को एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस किया जा सकता है। तो ये है इंटीमेसी के फ़ायदे, जो कि शोधकर्ताओं ने शोध करके ये सारी बातें निकाली, आपने भी महसूस की होंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और प्रेम की कहानी राधे श्याम को देखने का आपको कितना इंतज़ार है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या है हम तुम्हारे, कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रण नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत। आखिर भाग्यश्री ने क्या खुलासा किया सलमान खान और प्रभास के स्वभाव के बारे में? आखिर राधे श्याम के कास्ट से किस इंसान पर क्रश था प्रभास को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो भाग्यश्री, प्रभास और पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्म राधे श्याम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। भाग्यश्री ने अपना बॉलीवुड डेब्यू मैंने प्यार किया से किया था, जिसमें वो सलमान खान संग रोमांस करती नजर आई थी। इसके बाद वो हिमालय दस्तानी से शादी करके सेटल हो गई और काफी कम फिल्मों में दिखने लगी। अब भाग्यश्री दो फिल्मों में दोबारा नजर आएंगी, राधे श्याम और थलाइवी में। तो दोस्तों, भाग्यश्री से जब एक इंटरव्यू में प्रभास के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि प्रभास एक जेंटलमैन है और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान भी है। उनके साथ काम करना भाग्यश्री को बहुत अच्छा लगा था। जब भाग्यश्री को सलमान और प्रभास के स्वभाव में समानता के बारे में पूछा गया तो वो बोली कि दोनों ही अपने ऊपर भरोसा करते हैं और यही बात उन्हें उनके काम में माहिर बनाती है। तो दोस्तों, साउथ सिनेमा में सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम को लेकर काफी चर्चे में है। फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगी, लेकिन अब इस फिल्म से एक और एक्ट्रेस जुड़ गई है और ये वही एक्ट्रेस है जिस पर कभी प्रभास को क्रश रह चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्ट्रेस है सलमान के साथ मैंने प्यार किया में लीड रोल निभाने वाली भाग्यश्री। तो दोस्तों, बता दूं कि भाग्यश्री फिल्म में प्रभास की माँ के रोल में नजर आएंगी। भाग्यश्री ने बताया कि उन्होंने बाहुबली देखने के बाद सोचा था कि प्रभास में एटीट्यूड होगा या फिर वो थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, पर वो एक बहुत ही हम्बल इंसान निकले। हालांकि पहले भाग्यश्री राधे श्याम में इस रोल को निभाने में काफी हिचकिचा रही थी। एक्ट्रेस फिल्म में प्रभास की मां के रोल निभाने को लेकर काफी कंफ्यूजन में थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने उनसे बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि फिल्म में जिस तरह से उनका किरदार पेश किया जाएगा वो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा और दर्शक उन्हें जरूर पसंद करेंगे। तो दोस्तों, प्रभास के साथ पहली बार काम करने के अपने
एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए भाग्यश्री ने बताया कि प्रभास का कहना है कि वो उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। भाग्यश्री ने खुद इंटरव्यू में प्रभास के खुद पर क्रश होने की बात का खुलासा किया और कहा कि प्रभास ने मैंने प्यार किया की बात करते हुए बताया था कि वो बहुत खुश है कि उनकी क्रश राधे श्याम के सेट पर है। अब दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भाग्यश्री प्रभास की माँ की भूमिका में दर्शकों को पसंद आएंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रण नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता दो कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हो। अपने बर्थडे पर फैंस को ये फिल्मी तोहफा क्यों दिया? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। इस बार अपने बर्थडे पर उन्होंने फैंस को सरप्राइज दिया अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम का मोशन पोस्टर शेयर कर। इसमें प्रभास के साथ उनकी को स्टार पूजा हेगड़े भी दिखाई दे रही है। इस एनिमेटेड पोस्टर में ट्रेन की जर्नी से पूरी स्टोरी की झलक दिखाई गई है। इफेक्ट्स भी शानदार है। प्रभास ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राधे श्याम की रोमांटिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। 1 मिनट 16 सेकंड का टीजर देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म की कहानी ट्रेन जर्नी के इर्द गिर्द घूमती हुई होगी। फैंस को प्रभास का लुक और टीजर खूब पसंद आ रहा है। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। राधे श्याम की शूटिंग इस साल जनवरी में शुरू हो चुकी मगर कोरोना ने प्लान चौपट कर दिया। खबर है कि इस फिल्म में प्रभास हस्तरेखा विशेषज्ञ की भूमिका में नजर आएंगे। पूजा हेगड़े म्यूजिक टीचर का रोल निभाएंगी। पहली बार दोनों सितारे एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। राधे श्याम मूवी में भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के टीजर को देख करके लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म सुपरहिट हुई थी, उसी प्रकार से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। लेकिन ये बात तो रिलीज के बाद ही सिद्ध होगी। वैसे प्रभास के पास इस समय काफी प्रोजेक्ट है। उनकी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष भी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि वे फिल्म में राम की भूमिका निभाएंगे, जिसमें राम का किरदार प्रभास निभाएंगे। फिल्म में लंकेश की भूमिका में सैफ अली खान होंगे और इसी फिल्म में अजय देवगन शिव की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये प्रभास की फिल्म क्या बाव। दोस्तों, अपनी कल की वीडियो में मैंने बात की थी टॉप 5 क्लैशेस के बारे में और देखा जाए तो आज एक फिर से क्लैश की अनाउंसमेंट हो गई है। ये क्लैश है बॉलीवुड वर्सेस साउथ। दोस्तों, पहली बार होगा बॉक्स ऑफिस पर आलिया भट्ट वर्सेस प्रभास की जोरदार टक्कर। एक तरफ प्रभास की राधे श्याम जो रिलीज होने वाली है 30 जुलाई को बड़े पर्दे पर, तो वहीं संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी भी उसी दिन दर्शकों को एंटरटेन करने को तैयार है। दोनों ही फिल्में बजट के मामले में काफी बड़ी हैं। अगर एक फिल्म में बाहुबली की ताकत है तो दूसरी फिल्म के साथ बेहतरीन डायरेक्टर का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे में पहली बार एक लेवल की फिल्में आपस में क्लैश होने जा रही है।
जहां जीत और हार का फैसला करना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों जहां एक तरफ गंगूबाई काठियावाड़ी जिसका हाल ही में मेकर्स ने टीजर रिलीज किया, उम्मीद के मुताबिक टीजर में संजय लीला भंसाली की क्लास दिखाई दे रही थी और वहीं अपनी एक्टिंग से आलिया भट्ट ने सबको इम्प्रेस किया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राधे श्याम का टीजर भी टॉप पर था। अब कहने को तो वैसे उस टीजर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्रभास का रोमांटिक अंदाज और मेकर्स का दनादन पैसे खर्च करना ध्यान खींच रहा था अपनी तरफ। अब जब दोनों फिल्में साथ में बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी तब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और दर्शकों की नजरों में कौन पास होता है और कौन फेल। वेल, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पुराना ट्रैक दोनों ही एक्टर्स का खराब रहा है। जहां एक तरफ आलिया भट्ट की सड़क 2 को लोगों ने सुपर फ्लॉप साबित किया, वहीं दूसरी तरफ प्रभास की फिल्म साहो को भी सिर से नकार दिया था लोगों ने। अब दोनों फिर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं और 30 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, क्या लगता है, प्रभास या फिर आलिया भट्ट, जीत किसकी होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रन नहीं हूं। प्यार, ये फिल्म साइंस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई है, वो कौन सी वजहें हैं जो दर्शकों को इस फिल्म की ओर आकर्षित करेंगे? तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो राधे श्याम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो यूरोप में 1970s के समय पर आधारित है। प्रभास इसमें फॉर्च्यून टेलर की भूमिका में दिखेंगे, जबकि पूजा इसमें एक राजकुमारी की भूमिका में दिखेंगी। एक्टर सचिन खेड़ेकर जो इसमें डॉक्टर की भूमिका में दिखाई देंगे, बता रहे थे कि राधे श्याम की कहानी एस्ट्रोलॉजी और साइंस के कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाएगी। ये प्रभास और पूजा हेगड़े की कहानी अलग अलग वक्त में भी दिखा सकती है। तो दोस्तों, फिल्म राधे श्याम के एक नए टीजर में प्रभास एक प्यार में दीवाने लड़के के रूप में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, टीजर इतना रोमांटिक है कि रिलीज को घंटा भर नहीं हुआ था और इसे 4 लाख प्लस व्यूज मिल चुके थे। ये टीजर अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो दोस्तों, इस टीजर को देखकर राधे श्याम की कहानी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म का छोटा सा टीजर लोगों के दिलों में प्यार का एहसास जगा रहा है। रेलवे स्टेशन में पहले प्रभास कुछ कहते नजर आते हैं, इसके बाद हीरो और हीरोइन दोनों एक डायलॉग भी बोलते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पूजा हेगड़े प्रभास से कहती है, अपने आप को रोमियो समझते हो क्या? इस पर प्रभास कहते हैं, नहीं, उन्होंने प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मैंने प्यार किया की भाग्यश्री के फैन है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अगर आप उत्सुक है ये जानने के लिए कि कैसे रहेगा भाग्यश्री का बॉलीवुड में कमबैक, तो ये फिल्म में उनकी भूमिका से आपको अंदाजा हो जाएगा। चौंकाने वाली बात तो ये है कि भाग्यश्री इसमें प्रभास की माँ की भूमिका में नजर आएंगी। और तो और, डायरेक्टर ने खुद कहा है कि भाग्यश्री की भूमिका सभी को पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, ये फिल्म आपको इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म में प्रभास को एकदम अलग और अनोखे अवतार में दिखाया जाएगा। ये फिल्म इसलिए भी देखनी बनती है क्योंकि इस फिल्म में प्रभास को एक बार फिर दोहरी भूमिका में देखा जा सकता है बाहुबली फिल्म के बाद। ये फिल्म देखने में इसलिए भी दिलचस्प होगी क्योंकि फिल्म का साउंड ट्रैक मिथुन और मनन भारद्वाज कंपोज कर रहे हैं। ये फिल्म इसलिए भी मजेदार होगी क्योंकि फिल्म के कई सीन्स यूरोप में शूट हुए हैं और इसलिए फिल्म के सीन्स देखकर दर्शकों को मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, इस फिल्म में लोगों को ड्रामा और मसाला एंटरटेनमेंट के अलावा प्राचीन और काल्पनिक समय से जुड़ने का भी मौका मिलेगा और इसी वजह से ही यंग जनरेशन के बुजुर्गों को भी ये फिल्म पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाग्यश्री के फिल्म में और फिल्म में प्राचीन एंगल होने की वजह से फिल्म दर्शकों को आकर्षित कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। क्या लगते क्या नहीं, प्यार न हो रहा है। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं। क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ।
की राधे श्याम अभी से सुपरहिट क्यों मानी जा रही है? प्यार में पढ़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई है तब से ये चर्चा बनी है कि राधे श्याम भी बाहुबली की तरह सुपरहिट फिल्म होगी। राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं पर जल्दी सोती नहीं, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती है। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती है क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती हैं तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना लेती। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं। जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जिगर में इतना तो जान गया हूं जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती। आखिर भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो है इस शूटिंग के लिए यूरोप से भी महंगा? क्या कहते हैं फिल्म डायरेक्टर सबसे महंगे शहर को लेकर? क्या गुहार लगाई फिल्म इंडस्ट्री ने शहर के मुख्यमंत्री से? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं फिल्म की शूटिंग की जगहों के बारे में। एक फिल्म को बनाने में सिर्फ हीरो और हीरोइन का ही नहीं योगदान होता, बल्कि उन सभी चीज़ों का योगदान होता है जो कि उस फिल्म से जुड़ी होती है। बेशक वो लोकेशन हो, कैमरा हो या फिर कैमरा मैन हो, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी फिल्म को बनाने में जबरदस्त साथ उसकी लोकेशन देती है। और आजकल अच्छी लोकेशन और सुंदर लोकेशन पर फिल्में बनाना की जैसे कि होड़ ही लगी हुई है। इसी सुंदर जगह में सबसे पहले नाम यूरोप का आता है। यूरोप एक ऐसी लोकेशन है जहां हर डायरेक्टर शूट करना चाहता है। अभी हाल ही में यूरोप में राधे श्याम फिल्म की कुछ सीन्स को शूट किया गया था, लेकिन ऐसी ही हूबहू लोकेशन एक भारत में भी है। आपको बता दें कि वो जगह कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म की शूटिंग को लेकर कई राज खोले। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की ये जगह शूटिंग के लिए यूरोप से भी महंगी है। उत्तराखंड पहुंचे धूलिया ने मीडिया से खुताबिक होते हुए कहा कि उत्तराखंड में वो तमाम लोकेशन है जो स्विट्जरलैंड में है।
यहाँ खूबसूरत झरने हैं, बुग्याल हैं, नदियाँ हैं, बर्फ से लकदक पर्वत हैं और जंगल भी है। फिर भी फिल्म निर्माता स्विट्जरलैंड का रुख करते हैं। इसका एकमात्र कारण ये भी है कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण करना यूरोप के विभिन्न लोकेशन से भी ज्यादा महंगा सौदा साबित होता है। बताया कि हवाई टिकट से लेकर लोकेशन तक जाना और रहना, खाना और अन्य चीजों का भी बजट काफी ऊंचा हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने राग देश फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में ही की थी। एक यूनिट में करीब 250 के करीब स्टाफ होता है। जरूरत पड़ने पर कईयों को बुलाया भी जाता है और वापस भी भेजा जाता है। इतने लोगों का हवाई जहाज का किराया मुंबई से यूरोप जाने से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को तत्काल फिल्म नीति बनानी चाहिए। कहा कि स्विट्जरलैंड सब्सिडी देता है तो फिल्म निर्माण वहाँ ही जाते हैं। प्रदेश सरकार को भी सब्सिडी देनी चाहिए। धूलिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी सब्सिडी होनी चाहिए। चाहे तो सरकार कड़े मानक कर दे जिससे केवल गंभीर फिल्म मेकर ही यहाँ आ सके। इससे उत्तराखंड की खूबसूरती को लोग देश विदेशों तक जान सकेंगे। सरकार चाहे तो सब्सिडी राशि सेंसर बोर्ड के रिलीज सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मुक्त भी कर सकती है, जिससे केवल सब्सिडी के लिए ही फिल्म बनाने वालों पर रोक लगा दी जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड प्रदेश सरकार इस पर जल्दी से कोई कानून बनाना चाहेगी या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास वीडियोस को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। वैलेंटाइन डे के दिन राधे श्याम फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। रोमांटिक फिल्मों की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। वैलेंटाइन का दिन अपने प्यार के इजहार करने के लिए सबसे खास माना जाता है। दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाती है और इस दिन आप अपने प्यार का इजहार करके सामने वाले को अपना बनाते हैं। बॉलीवुड में बनने वाली 90% फिल्में प्रेम पर आधारित होती हैं और हिंदी फिल्मों के रोमांटिक सीन्स और गाने के दिलों में इश्क जग जाते हैं। हम बात करते हैं राधे श्याम से पहले की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ मशहूर प्रेम कहानियों की। फिल्म कयामत से कयामत तक बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक फिल्मों में शुमार है, जिसे देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा। फिल्म में आमिर खान और जूही चावला हैं। फिल्म को 30 साल हो गए हैं लेकिन ये आज भी लोगों के जगह में बसी हुई है। अब लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई थी। फिल्म को डायरेक्ट मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था और फिल्म के गानों के भी काफी लाजवाब थे और राज सिंह और रश्मि राजपूत के प्यार की कहानी बताती है। इस फिल्म में दोनों के परिवार आपस में दुश्मन हैं और उनके रिश्ते को पसंद नहीं करते। अपने परिवार वालों के विरोध के कारण दोनों शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं। फिर आती है फिल्म एक दूजे के लिए। फिल्म काफी रोमांटिक थी। ये फिल्म 1981 में बनी थी। फिल्म के मुख्य किरदार में कमल हसन थे और फिल्म को बालाचंद्र ने डायरेक्ट किया था। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो नुकसान हो जाने के डर से किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे नहीं खरीदा। 10 लाख के सीमित बजट में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया।
फिल्म को एक नेशनल और 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और फिल्म में लक्ष्मीकांत पायरालाल का म्यूजिक बहुत हिट रहा था। रोमांटिक, सैड और फन सॉन्ग इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म में एक गाना है मेरे जीवन साथी, इस गाने के लिरिक्स बहुत मजेदार है। फिल्म में क्लाइमैक्स में रति और कमल दोनों ही किरदार पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस फिल्म को देखकर कई प्रेमी जोड़ी ने भी आत्महत्या कर ली थी और अब बात आई थी कि भाईजान की फिल्म 1989 में आई सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर मैंने प्यार किया है गाने और वो प्यारी सी लव स्टोरी आज भी लोगों को अच्छे से याद है। मैंने प्यार किया है आमिर लड़के और गरीब लड़की की प्रेम कहानी है और सलमान खान, भाग्यश्री और आलोक नाथ के साथ सूरज बड़जात्या ने पर्दे पर क्या कमाल की लव स्टोरी दी थी वो आज भी जिंदा है। प्यार की बात हो और 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी बात ना हो तो प्यार अधूरा लगता है। इसमें बॉलीवुड को अलग ही दिशा दी है बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के राज सिमरन आज भी प्रेमी जोड़ी के आदर्श बने हुए हैं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जैसे डायलॉग्स आज भी प्रचलित है। शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म का विकल्प कोई और फिल्म नहीं हो सकती। 14 जनवरी 2000 को रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है कि आज 21 साल पूरे हो चुके हैं और 2000 में रिलीज हुई सारी फिल्में ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर एंट्री के साथ फीकी पड़ गई थी और इस फिल्म में ऋतिक और अमीषा पटेल दोनों ने डेब्यू किया था। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है अब तक की सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने वाली है। बॉलीवुड में अभी तक ऐसी फिल्में नहीं बनी है जिसने एक साथ 102 अवार्ड्स जीते हों। इस फिल्म ने दर्शकों के बीच खूब धमाल मचाया था। ऐसे ही प्यार के सरोवर एक मूवी का डायरेक्शन राधा कृष्णन कर रही हैं जिसका नाम राधे श्याम है, जिसमें प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांस करते नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये प्यार भरी बातें खत्म करते हैं। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीषा